खत्म है, ये दुनिया खत्म है भाई। क्या हुआ, क्या मरने जा रहा हूँ, नहीं जीना मुझे यहाँ। लेकिन भाई हुआ क्या है वो तो बताओ। अबे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ओजोन में बना छेद बढ़ रहा है, राखी सावंत और दीपक कलाल का मेलजोल बढ़ रहा है। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम है आज दुनिया के सामने, और दुनिया को किसकी चिंता है, टी सीरीज या प्यूडीपाई। मेरा पूरा कमेंट सेक्शन टी सीरीज और प्यूडीपाई से स्पैम कर डाला तुम लोगों ने। नाके के पनवड़ी से लेकर नुक्कड़ के गंजेड़ी तक, गली के नंगे बच्चे तक पूछने लगे मुझे, आप टी सीरीज को सपोर्ट करते हो या प्यूडीपाई को। यहाँ तक कि मेरी काम वाली बाई ने मुझसे पूछ लिया, साहब आप प्यूडीपाई को सपोर्ट करता है या टी सीरीज को। मैंने बोला मैंने दोनों को सब्सक्राइब किया है, बुरा मान गई वो। तब से लेके आज तक खाने में कभी नमक कम तो कभी मिर्ची ज्यादा, पेट खराब हो गया मेरा, टट्टी टट्टी हो गई जिंदगी मेरी। फिर मैंने YouTube पे देखा कि कुछ चैनल टी सीरीज और प्यूडीपाई के सब्सक्राइबर्स का लाइव काउंटडाउन दिखा रहे, जिसकी वॉचिंग थी 18,000। अब सिर्फ 2 मिनट के लिए प्यूडीपाई और टी सीरीज दोनों को साइड करते और इन 18,000 भोसड़ी वालों पे फोकस करते, नहीं इनकी जिंदगी में चल क्या रहा होगा, कौन सी नस्ल का गांजा फूक के बैठे होंगे ये लोग। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कुछ चैनल टी सीरीज और प्यूडीपाई के नाम के बिलबोर्ड्स लगा रहे, नहीं क्या इलेक्शन में खड़े ये लोग। फिर बाद में मुझे पता चला कि इस आग में घी डाला है प्यूडीपाई के एक गाने ने, जिसका नाम है बिच लजागना। भाई लजागना नहीं, लजानिया होता है वो। स्पेलिंग पर LASAGNA। तो लजानिया कैसे हुआ बे? भाई इसमें जी साइलेंट रहता है। तो मैंने बोला था उसको साइलेंट रहने को, चूतिया समझ के रखा है क्या, कुछ भी करने का, मेरी अंग्रेजी का ईगो हर्ट नहीं करने का। हाँ तो कहा था मैं भाई प्यूडीपाई का गाना। हाँ तो टी सीरीज ने प्यूडीपाई पे गाना बनाया बिच लजगना। भाई प्यूडीपाई ने टी सीरीज पे बनाया था। तो टी सीरीज ने क्या बनाया था भाई? दिलबर। तो प्यूडीपाई को क्या प्रॉब्लम है उससे? भाई प्यूडीपाई को नहीं, हमारे लोगों को प्यूडीपाई के गाने से प्रॉब्लम है। हाँ तो प्यूडीपाई ने गाना निकाला बिच लजगना, जिस गाने में उसने हमारे देश के आज तक के सबसे बड़े इन्वेंशन का मजाक उड़ाया, बॉब और भगाना। प्यूडीपाई हरामखोर मादरजात, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के सबसे बड़े इन्वेंशन के बारे में भला बुरा बोलने की? और क्या बोला था, यू इंडिया यू लूज, इसके देश का नाम क्या है बे? हाँ स्वीडन। भाई स्वीडन नहीं, स्वीडन नहीं, नहीं स्वीडन स्वीडन। हाँ तो प्यूडीपाई यू स्वीडन यू टट्टी, जहाँ तुझसे कट्टी, अनसब्सक्राइब कर दिया तेरे को, टी सीरीज जिंदाबाद। उसके ओनर भूषण कुमार को फोन लगाता हूँ अभी बधाई देने के लिए। हेलो। अरे भूषण जी बधाई हो, आपका यूट्यूब चैनल दुनिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल होने जा रहा है। क्या हमारा यूट्यूब चैनल है, ये कब हुआ? साला इन लोगों को $1 बिलियन की कंपनी खोल के दी, भोसड़ी वालों ने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। अरे आपको तो खुश होना चाहिए, आपका चैनल प्यूडीपाई को टेक ओवर करके दुनिया का नंबर 1 चैनल होने जा रहा है। क्या ये मैं होने नहीं दूंगा, तुम्हें पता नहीं मैं प्यूडीपाई का कितना बड़ा फैन हूँ, मैं प्यूडीपाई को कभी हारने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े। अरे भाड़ में गया टी सीरीज और प्यूडीपाई, पीने दो मुझे मेरी अदरक वाली चाय, जी लो जिंदगी में, दिन बचे हैं थोड़े, अबे जल्दी ला मेरे बहन के पकोड़े। सो हाय गाइस, तो इस टॉपिक पे सच में मेरा ओपिनियन मैटर करता है, तो मैं बोलूंगा हाँ मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर प्यूडीपाई अब दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर नहीं रहेगा। लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा खुशी और प्राउड है कि हमारे देश का एक चैनल दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल बनने जा रहा है, और मुझे इस बात से और ज्यादा खुशी होगी जिस दिन इंडिया का एक इंडिविजुअल यूट्यूब क्रिएटर प्यूडीपाई और टी सीरीज दोनों को क्रॉस करेगा। वाह क्या सुमड़ी में कुमड़ी मारा ये बंदा। बाकी जिंदगी जन है फिर भी कमेंट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।